मुझे यकीन है कि आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में पहले ही बहुत कुछ पढ़ा या सुना होगा, लेकिन यदि आप ये नहीं समझा सकते हैं कि आपने क्या सीखा, तो आप वास्तव में अभी भी नहीं जानते हैं कि इसे कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ये नियमों को जाने बिना गेम खेलने जैसा है। यदि आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको ये शुरू करने से पहले ही पता होना चाहिए कि नियमों को कैसे समझाया जाए। और हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी भी एक प्रकार का खेल है जिसके कुछ नियम हैं। ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि हर कोई मैनिफेस्टेशन में सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकता है। मेरी तो यही दिली इच्छा है कि आप इसे सीखें और इसे अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में लागू करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यदि मैं अपने एनवायरमेंट में कंडीशंस खुद ब खुद सेट कर लूं और ब्रेन को उचित निर्देश दे सकूं, तो मैं अपने बिहेवियर को अपने इंटेंशंस के अनुरूप बना सकता हूं, अपने एक्शंस को अपने विचारों के बराबर बना सकता हूं। यदि आप अपने मन और शरीर को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल एक नया अनुभव महसूस करेंगे। ये अनुभव ब्रेन से एक रिलेशनशिप स्थापित करता है, लेकिन जिस क्षण वो न्यूरॉन्स नेटवर्क में जगह बनाते हैं, ब्रेन एक केमिकल बनाता है और उस केमिकल को फीलिंग्स और इमोशंस कहा जाता है। और जिस मोमेंट आप असीमित या सशक्त महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप अपने शरीर को रासायनिक रूप से ये सिखा रहे हैं कि उनका दिमाग बौद्धिक रूप से क्या समझता है। बहुत से लोग अपने एनवायरमेंट, अपने शरीर और समय की बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप बाहरी दुनिया को अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, तो आपका एनवायरमेंट आपके मस्तिष्क को उन सभी चीजों के बराबर होने के विचारों को रीप्रोग्राम करेगा जिनसे आप परिचित हैं, और फिर रिजल्ट उसी दुनिया को रेनफोर्स करेगा और आपके दिमाग को आपके जीवन के मुद्दों, स्थितियों और परिस्थितियों पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोग्राम करेगा। मगर मेंटल रिहर्सल या बार बार किसी कार्य को करने की कल्पना करके आप अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं, ताकि ऐसा लगे कि वो घटना आपकी बाहरी वास्तविकता में घटित हुई है। हमारे विचार और भावनाएं मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक है, और बहुत से लोग आज तनाव और दुख में जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो अपने जीवन के निर्माता हैं। भले ही आपके हालात खराब हों, लेकिन आपको खुद से हार नहीं माननी चाहिए। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी चिंताओं को एक तरफ छोड़ दें और अपने डिजायर्ड फ्यूचर पर ध्यान केंद्रित करें। ये हमारे थॉट्स एंड इमोशंस ही हैं जो चीजों और परिस्थितियों को हमारी ओर आकर्षित कर रही हैं। इसे कभी ना भूलें, और हमें सचेत रूप से वो बनाना शुरू करना होगा जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जब आप कृतज्ञता महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग इसे तुरंत सेंस कर लेता है, क्योंकि कृतज्ञता का भावनात्मक संकेत ये है कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। इसीलिए जब आप कृतज्ञता की स्थिति में चले जाते हैं, तो आप उस भावनात्मक स्थिति के बराबर विचारों को स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे और उनके प्रति समर्पण करेंगे, और आप अपने नर्वस सिस्टम को एक अलग डेस्टिनी के लिए प्रोग्राम करेंगे। और ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि अकेले कॉन्शियस पॉजिटिव थिंकिंग सबकॉन्शियस नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस पर काबू नहीं पा सकती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश सबकॉन्शियस रूप से शरीर में नकारात्मकता के रूप में रह सकते हैं। जब भावनाएं सोचने का माध्यम बन जाती हैं, या यदि हम जो महसूस करते हैं उसमें अधिक नहीं सोच सकते, तो हम कभी नहीं बदल सकते। बदलाव का मतलब है हम जो महसूस करते हैं उससे बेहतर सोचना। परिवर्तन का अर्थ खुद की परिचित भावनाओं से बढ़कर कार्य करना है। मीन्स जब हमारा व्यवहार हमारे इंटेंशन से मेल खाता है, जब हमारे एक्शंस हमारे विचारों के बराबर होते हैं, जब हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक साथ काम कर रहे होते हैं, जब हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस अलाइंड होते हैं। बहुत से लोग भविष्य की आशा करके या अपने अतीत को दोबारा याद करके मानसिक रूप से वर्तमान में रहने में असफल हो जाते हैं। जब हम वर्तमान यानी प्रेजेंट में रहते हैं, हम उस वक्त स्पेस और टाइम से परे जा सकते हैं, और हम उन संभावनाओं में से किसी एक को वास्तविकता बना सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना की नहीं है। बट जब हम अतीत में फंस जाते हैं, तो उनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटीज को पाना बहुत कठिन हो जाता है। रिसर्च
इस धारणा को सपोर्ट करती है कि हमारे पास केवल विचार द्वारा मस्तिष्क और डेस्टिनी को बदलने की प्राकृतिक क्षमता है, ताकि ये बायोलॉजिकली ऐसा लगे कि भविष्य की कोई घटना पहले ही हो चुकी है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अपने डिजायर्ड फ्यूचर के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने इच्छित भविष्य का अनुभव करने के लिए वर्तमान में स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कार्यों की योजना बनाएं। अपने आप में रहने की आदत को तोड़ने के लिए आपको समय की एक न्यू लाइन में रहना होगा। दुर्भाग्य से बहुत लोग अपने भाग्य के निर्माता बनने के बजाय केवल सर्वाइव करके उस स्थिति में जा रहे हैं। सर्वाइवल, तनाव में रहना और भौतिकवादी के रूप में कार्य करना शामिल है, ये विश्वास करते हुए कि बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया की तुलना में ज्यादा रियल है। बट क्रिएशन अवेयरनेस में होने की अवस्था है। यहाँ पर आपकी पहचान आपकी बाहरी वास्तविकता से स्वतंत्र है। जिस दिन आप सर्वाइवल और क्रिएशन के बीच का अंतर समझ जाएंगे, उस दिन आपको अपनी डेस्टिनी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। चीजों को मैनिफेस्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। आपको अपने लाइफ, माइंड एंड डेस्टिनी को बदलने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन प्रोसेस पर काम करना होगा। आप विकसित होंगे और अपने से बाहर मैनिफेस्टेशंस क्रिएट करने के लिए सशक्त और ऊर्जावान बनेंगे। मेडिटेशन आपका ध्यान एनवायरनमेंट, आपके शरीर और गुजरते समय से हटा देता है, ताकि आप इसके बजाय अपने इंटेंशंस एंड थॉट्स पर ध्यान केंद्रित कर सके। मेडिटेशन करना आपके विश्लेषणात्मक दिमाग यानी कि एनालिटिकल माइंड से आगे बढ़ने का भी एक साधन है, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सके। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो जगह है जहां आपकी सभी बुरी आदतें और बिहेवियर रहते हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप इंडक्शन है। इंडक्शन का उपयोग करके ध्यान के लिए अनुकूल स्थिति में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है। स्टेप टू, पहचानना। मूल समस्या की पहचान करके ये निर्धारित करें कि वर्तमान में आपके दिमाग में वो कौन सी चीज चल रही है जो आपको परेशान कर रही है, ताकि उस पर आप काबू पा सकें। स्टेप नंबर थ्री, एक्सेप्ट करना और डिक्लेयर करना। अपने आप को, अपने अतीत और गलतियों को स्वीकार करने की अनुमति दें और खुद को बताएं कि आप अपना जीवन क्यों बदलना चाहते हैं। स्टेप फोर, सरेंडरिंग। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनको जाने दें और एक बड़ी शक्ति यानी यूनिवर्स के सामने झुकें और उसे अपनी लिमिटेशंस और मेंटल ब्लॉकेज को हल करने दें। स्टेप फाइव, ऑब्जर्विंग एंड रिमाइंडिंग। ओल्डर सेल्फ का निरीक्षण करें और खुद को याद दिलाएं कि आप अब और अपना पुराना वर्जन नहीं बनाना चाहते हैं, ताकि आप खुद को मुक्त कर सकें और कभी भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस में वापस ना आए। स्टेप नंबर सिक्स, रीडायरेक्टिंग। कॉन्शियसली और विवेकपूर्ण तरीके से अपने दिमाग को अनकॉन्शियस व्यवहार करने से रोकें। एंड फाइनली नंबर सेवन, क्रिएटिंग एंड रिहर्सिंग। आइडियल रोल मॉडल से अपनी नई पहचान को पुनः स्थापित करें और फिर इस नए स्व यानी कि न्यू सेल्फ को स्थापित करने के लिए मानसिक रूप से रिफ्रेश करें। पावर मैनिफेस्टर होना, स्वतंत्र होना, असीमित होना, क्रिएटिव होना, प्रतिभाशाली होना, यही आप हैं। एक बार जब आप इस तरह महसूस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये वही हैं जो आप वास्तव में हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।